हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार. माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, फिर से स्टडी मटेरियल नाउ लूसो ग्रिड का मिसिंग नंबर 5 और प्रेजेंट नंबर 5 के ऊपर आज मैं बताने जा रहा हूँ. आप लोग इससे पहले 9 वीडियो देख चुके हैं. यह 10वां वीडियो है लूसो ग्रिड पे, है ना. आप लोगों ने फुल्ली इंजॉय किया होगा सारा वीडियो. इससे पहले कि मैं बताऊँ, ये सारे फैक्टर्स जो कि आप जानते हैं, मैं इसके बेस पर बताता हूँ. बहुत सिंपल है ना. इसके बेस पर आपको मैं आज कंपेरिजन करके 9 वीडियो दे चुका हूँ. अब फिर से इससे पहले कि स्टार्ट करूँ, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स को बता दीजिए ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले ले. घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपए कमाए. चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, रिटायर्ड पर्सन हो, या रीस्टार्ट अपना करियर कोई करना चाहता है, नहीं तो पेड न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करा ले. मैरिड द हस्बैंड वाइफ एक साथ कराए, फिर बड़ा बेटा बड़ा बेटी, छोटा बेटा छोटा बेटी का पूरे घर का वाइब्रेशन अच्छा होना चाहिए, सो दैट के सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में हो. किसी एक का भी एंटी नंबर रह गया फिर जीवन में जीवन भर बाधा लगा रहेगा. अब भाग्य ही कर्म करवाता है. जब तक नेम न्यूमरोलॉजी नहीं होगी आपके लिए स्वर्ग का 7वां दरवाजा नहीं खुलेगा, मतलब भाग्योदय नहीं होगा. कुछ भी कर लो आप बिना नेम न्यूमरोलॉजी के, आपके जीवन में कभी कोई चीज़ आपको बाई च्वाइस नहीं मिलेगा, बाई चांस हमेशा मिलता रहेगा. और उसमें हमेशा रुकावट आता रहेगा, बाधा आता रहेगा, ऑब्स्टेकल आता रहेगा. ये बात बता दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड. चलिए बताते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 8 से 10 मिनट का हो जाता है. मैं चाहता हूँ छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों को दूँ. एनीवे, नंबर पाँच बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और चाइनीज न्यूमरोलॉजी दैट इज लूसो ग्रिड के हिसाब से, है ना. जैसा कि इसका मालूम डायरेक्शन सेंटर, सेंटर ऑफ द नंबर, सब नंबर का सब्स्टिट्यूट नंबर है 5 नंबर, है ना. 5 नंबर मिसिंग हो जाता है तो आदमी एकदम, मतलब स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा जिसके घर में भी 14 साल से नीचे का बच्चा है ना, वो आचार्य जी से जाके जरूर एस्ट्रोलॉजी करा के ये पता करें कम से कम कि मर्क्यूरी बुध ग्रह 5 नंबर अगर मिसिंग है या प्रजेंट भी है तो क्या वो बलवान है कि नहीं, कहीं कारक मारक ऊंच का नीच का तो नहीं है. क्योंकि प्रजेंट रहने से इसका मतलब नहीं कि वो आपका मजबूत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना. प्रजेंट रहने का मतलब है कि वो सब चीज़ें मिलेगी जो आप हकदार हो. लेकिन अगर बलवान हुआ, स्ट्रांग, वजह से मेरा है 5 नंबर बुध, मैं कहीं भी किसी भी लेवल के ऑडियंस पर खड़ा होकर किसी को कितना भी लंबा भाषण दे सकता हूँ. वेरी सिंपल, मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ 5 नंबर की वजह से. और ये 5 नंबर मिसिंग हो जाता है. अब यह मान ली बलवान नहीं है तो फिर क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं. कॉन्फिडेंस 3 तरह का होता है. एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सिंपल कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जो है 5 नंबर बलवान होने से आता है, खाली होने से, प्रेजेंट होने से नहीं होता है. बट एनी वे, हायर एजुकेशन 5 नंबर. हायर एजुकेशन का मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. बिल्कुल आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, नो प्रॉब्लम, 100%. मिसिंग हो गया तो ग्रेजुएशन किसी तरह से दूसरे नंबर की सहायता से करोगे, घिसते घिसते 30-50%, है ना. लेकिन अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रहा तो बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना. अगर ड्राइवर कंडक्टर की जगह 5 नंबर ड्राइवर रहा या 5 नंबर कंडक्टर रहा, उसके बाद 1 नंबर ड्राइवर कंडक्टर करो या 3 नंबर, तो बहुत अच्छे तरीके से फिर ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एक्सेलेंट करियर में इंजीनियर डॉक्टर बनने में, है ना. डॉक्टर नहीं बना था 5 नंबर, बस इतना याद रखिए, है ना. इंजीनियर बनाता है तो 100% आप बनिएगा. और सर 5 नंबर बाय नेचर मर्चेंट नेचर का होता है, मतलब व्यापारी, है ना, बिजनेस नंबर है ये. आपको एकदम बिजनेस की तरफ धकेलेगा, है ना. जैसे एक्सेलेंट करियर के रूप में, यस, आप जो भी पढ़ना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, एंकर बन, उससे रिलेटेड जितना भी एक्सेलेंट करियर है उसमें करो, 100% सफलता मिलेगा. और अगर मिसिंग हो गया ये 9, फिर दूसरे नंबर की सहायता से 30-50% सफलता मिलेगा आपको. बेस्ट प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, यस, एक्सेलेंट पब्लिक मोटिवेटर, स्पीकर, एंकर का जॉब, इस तरह का अगर गवर्नमेंट जॉब में भी जिससे रिलेटेड, इसमें UPSC, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाने का आपको मौका मिलेगा. उसको कम्पीट कर सकते हो, गवर्नमेंट में जज बन सकते हैं आप, लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं. लॉयर एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है, बहुत सिंपल. जब आप पढ़ के निकलते हो तो आप लॉयर कहलाते हो, है ना. BA LLB करके निकलते हो, या LLB करके निकलते हो ग्रेजुएशन के बाद, आजकल तो BA LLB हो गया है. और उसके बाद 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब एक लाइसेंस मिलता है आपको, उसको तो एडवोकेट कहलाते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस के बाद. बस यही फ़र्क है. तो गवर्नमेंट जॉब में, यस, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आपको. UPSC का इंडियन फॉरेन सर्विस आप कंप्लीट कर सकते हो, जज बन सकते हो 100%, 5 नंबर आपको. जितना भी जहां बोलने वाला जॉब है ना, उन सब में अगर प्रेजेंट रहा, अब बलवान रहा, तो फिर कहना ही क्या, तो सब काम 100% होगा. और खाली प्रेजेंट रहता है तो 100% सफलता मिल जाता है. इसी सब अंदाजा लगा लो कि 5 नंबर कितना. अभी 5 नंबर को तो बहुत सारा वीडियो बनाकर मैं देने वाला हूँ. अगर प्रेजेंट नहीं रहा, मिसिंग हो गया, तो फिर दूसरे नंबर की मदद से 30-50% सफलता मिलने की उम्मीद है. इस बात को ध्यान रखना है. बिजनेस,
क्योंकि बिजनेस नंबर है तो हर हालत में 100% बिजनेस। पांच नंबर से रिलेटेड जिसमें आप लोगों को पहले ही बोल दिया, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, जर्नलिज्म, एंकरिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेटिंग, ये सब से रिलेटेड अगर करोगे बिजनेस तो बहुत ज़बरदस्त आपको सफलता मिलेगा। मिसिंग हो जाता है तब का बड़ा दिक्कत हो जाता है। बहुत सारा हीरो को देखा होगा अपने, फिल्म हीरो को है ना, जिसके पास पांच नंबर मजबूत नहीं होता है वो नहीं ज़्यादा दिन तक चलता है, ना ही ढंग से बोल पाता है, तो वो आउट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री हो जाता है, चाहे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड जो पार्टी पर। फिर दूसरे नंबर की मदद से 30-50% सफलता आपको मिल सकता है। डायरेक्शन सेंटर, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, वेरी सिंपल, लूसो ब्रिड में सेंटर नंबर पे है, इसका मतलब सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो इलाका है उस इलाके में अगर आप रहते हो तो उससे रिलेटेड वहाँ पे जॉब आपको ज़बरदस्त मिलेगा, वहाँ पे आप बहुत 100% सफल रहोगे सेंट्रल इंडिया में ना। और मिसिंग हो गया तो फिर वहाँ पे कभी भृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी मना वाली स्थिति है। दूसरे नंबर की मदद से आपको मिल तो जाएगा बट बाय चॉइस कुछ भी नहीं मिलेगा, बाय चांस हमेशा सब कुछ मिलता रहेगा और अप्स एंड डाउन्स लगा रहेगा लाइफ में। और पाँच नंबर पर मिसिंग हो जाने से लूसो ग्रिड में है ना, बहुत से अदर फैक्टर्स भी होता है जो कि मैं अभी अदर फैक्टर में बताऊंगा। अर्थ एलिमेंट तो अर्थ से रिलेटेड जितना भी जॉब है उसमें सफलता मिलेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, डिगिंग हो गया, मेटल एलिमेंट से रिलेटेड है ना, सोना चांदी हीरा मोती कॉपर जिंक व्हाटएवर इट इज, उससे रिलेटेड जो सब चीज़ अर्थ से निकल के बन ये होता हो उन सब में 100% सफलता मिलेगा। और नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर दूसरे नंबर की मदद से तो 30-50% सफलता मिलने की उम्मीद है। क्योंकि दूसरा नंबर भी कभी कभी कारक हो जाता है ना जॉब मिलने के लिए। पर्सनैलिटी एक पाँच नंबर वाले का ज़बरदस्त होता है, हाईली एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, बबली किस्म का होता है, एक्स्ट्रोवर्ट होता है, ऑनेस्ट होता है, बहुत क्यूरियस होता है, एडवेंचरस होता है, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होता है ना, सुपर डुपर पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, यस 100% पर्सनैलिटी, ये सब क्वालिटी उसके अंदर मिस हो गया ना तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल को ही ख़राब करेगा। जितना भी लोग हकलाते हैं आप देखे होंगे, रुक रुक के बोलते हैं, हकलाते हैं, जिसकी आवाज़ साफ नहीं निकलती, वो सब मिसिंग पाँच नंबर वाले हैं है ना। 30-50% जो लोग हैं फिर दूसरे के मदद से आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह के पर्सनैलिटी है पाँच। अदर फैक्टर्स में पाँच नंबर अगर कम हो गया तो बहुत सॉरी प्रेजेंट रहा तो आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर बनोगे, सब काम सोच समझ के करोगे है ना, सब कुछ दूसरों की राय से करोगे, कोशिश करोगे अपना भी डिसीजन मेकिंग लेने का, दूसरों का भी राय लेने का सोच समझ के करोगे, एक्सेलेंट कम्युनिकेटर रहोगे तो नेचुरली आपको कोई भी कहीं भी किसी भी ऑडियंस में खड़ा कर देगा, सुपर डुपर धारा प्रवाह बोलोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं उस सब फैक्टर में है ना। पाँच नंबर होने से उनका घर द्वार गाड़ी घोड़ा ये सब होने का संभावना और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ द नंबर सब नंबर का सब्स्टिट्यूट नंबर है, तो उस सब में कोई कमी नहीं होगी, सारा सुख संपदा, ग्रोथ, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, लॉन्ग लाइफ, स्टेबिलिटी सब बन जाएगा अदर फैक्टर्स में 100%। मिसिंग हो जाने से फिर सब उल्टा हो जाता है फिर यहाँ पे है ना। फिर दूसरे नंबर की मदद से, अब दूसरा नंबर कितना मदद करेगा वो डिपेंड करता है कितना फ्रेंडली नंबर है इसका, और ड्राइवर कंडक्टर के रूप में आपका नाम कितने फ्रेंडली नंबर पे वो सब फिर मैटर करता है सब चीज़ों में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस है ना, लूसो ग्रिड नंबर पाँच जो मिसिंग और प्रेजेंट। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और जाते जाते फिर बता दूँ, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच, जो दूसरों की वीडियो को लाइक करता है, शेयर करता है, फॉरवर्ड करता है, उसी का वीडियो फिर दूसरा लाइक करता है, आपका वीडियो तभी लाइक होगा, क्योंकि वी विल टेक रिलेशनशिप। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच, दूसरों को मदद करो अमीर बनने के लिए है ना, अपने आप गॉड आपको फिर अमीर बनने के लिए मदद करेगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगनिंग।